भाजपा नेता व नगर सेवक छोटू भोयर ने कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस के नागपुर शहर कार्यालय में उनका पार्टी में आने के लिए जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा नेता विशेषकर कट्टर आरएसएस के स्वयंसेवक नगर सेवक छोटू भोयर ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। नागपुर शहर कार्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेता व जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, विधायक विकास ठाकरे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान छोटू भोयर का जोरदार स्वागत किया गया। खास बात तो ये है कि वे पार्टी में प्रवेश करते ही उन्हें कांग्रेस ने एक बड़ा मौका दिया है। स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले के विरोध में वे नामांकन भरेंगे। 30 वर्ष तक राज्य के अंदर संपन्न से सगळे शिस्तबद्ध रहा। येणारा फरवरी महिना हा कांग्रेस साठी देशाला एक नवीन दिशा देणारा ठरेल। आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या तोंडामध्ये एकच नारा असू द्या, अब की बार सो के पार। या शहरामध्ये कांग्रेस पक्षाचे 155 पैकी 100 च्या वर नगर सेवक निवडून आल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। मी नाही म्हटलो, आम्ही म्हटलो। तर माझ्या सगळ्यात सर्व लोक त्यात इन्व्हॉल्व झाले। आणि या महानगरपालिकेमध्ये जोपर्यंत कांग्रेस पक्षाची सत्ता पुनर्जीवित होत नाही, विकास भाऊ तुमची सत्ता जाऊन आता 15 वर्ष होऊन जाईल। विश्वासाने आणि इमानदारीने फक्त एकच गोष्ट सांगेल की माझा शेवटचा श्वास राहील तोपर्यंत मी कांग्रेस पक्षात बोलणार। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो भी उम्मीदवार देगा उस उम्मीदवार का यहां विजय अवश्य होगा, ये आपको पता चलेगा। बट अगर आप बाहर का कोई उम्मीदवार लाते हैं, लगभग भोयर अगर उम्मीदवार बनते हैं आपके यहाँ पे, जैसे राजेंद्र बहुमुदा ऐसे और भी कई उम्मीदवार थे आपके पास, तो खुद की पार्टी का क्यों नहीं? देखिए, हम एक ऐसे पार्टी से संबंधित है जो पार्टी जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन को हम मानते हैं, और पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से हम लोग उसको मानेंगे, और जिसका भी नाम आएगा उसके लिए हम पुरजोर से काम करेंगे। हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। छोटू भैया यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे, काय सांगाल? त्यांना सीट जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, काय सांगाल? छोटू भोयर या भाजपाच्या नेत्यांचा जो काँग्रेस प्रवेश आज झाला, आणि आजच या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे स्वायत्त संस्थेमध्ये ज्या निवडणुकीचे फॉर्म भरायला निघालेत, अशा वेळेला मी या ठिकाणी एवढंच सांगेन की भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवाची ही नांदी ठरणार आहे या निवडणुकीसाठी।